एवरीवन, दिस इज़ एक इन 22। आप सभी का स्वागत है एआर के सर्वाइवल के एक और एपिसोड में। और पिछले एपिसोड में हम सीमेंटिक पेस्ट ढूंढने गए थे और हमें मिला था बीवर, मिस्टर बीवर। दिस इज द बॉय। और हमें वहाँ से काफ़ी सारा सीमेंटिंग पेस्ट भी मिला इसके बीवर डैम से। और अब देखना है कि मैं इसके लिए वो बना सकता हूँ कि नहीं डैम। पर आज हम बनाने वाले हैं टॉयलेट, क्योंकि हमारे पास इनफ सीमेंटिक पेस्ट आ गया है और उसका इस्तेमाल करेंगे। और मैं देखता हूँ कि मैं किधर बना सकता हूँ टॉयलेट अभी। एक और मेरे पास फर्टिलाइजर्स भी काफ़ी सारे हो गए, तो मैं ओके इसको रखो इधर, अंडा उठाओ। और किसने करी है पॉटी, थैंक यू। ऑलरेडी, तो पहले मैं टॉयलेट बना लेता हूँ, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें जो हैं हम कल सीमेंटिक पेस्ट लेकर आए थे वो भी मैंने सारा रख लिया, और हमारी टॉयलेट अनलॉक हो गई है। लेट्स बिल्ड इट। बहुत सारा रिसोर्सेज लगता है इसके लिए, 180 मेटल लगता है, नहीं कितना लगता है, हाँ 180 मेटल लगता है। ओके, तो हमारी टॉयलेट आ गई है, ये रही। तो मैं इसको इसमें रख लेता हूँ। Attach a water pipe and sit on it. When you hear the call of nature, do your business, feel refreshed and flush for efficient waste disposal. Okay, तो इसके लिए मुझे पाइप चाहिए रहेंगे, इसमें लिखा है अटैच पाइप। तो शायद मेरे पास एक वर्टिकल पाइप है, पर मुझे एक हॉरिजॉन्टल पाइप चाहिए रहेगा। तो पाइप, हाँ ये वाला, और एक डिक्लाइन पाइप, इंक्लाइन वाला, ये इनटेक है ना, हाँ ये वाला पाइप। तो मैं थोड़े से स्टोन्स ले लेता हूँ स्मिति में से, और है क्या, नहीं है। तो एक स्ट्रेट पाइप, बनाना है, और एक ये वाला बनाना है। तो चलो, मेरे पास टूल्स हैं, टॉयलेट हमने उठा लिया है, लेट्स डू दिस। थोड़े से और स्टोन्स चाहिए, इस तरफ से तोड़ते हैं थोड़े से स्टोन्स। इधर का हमने पूरा जो वेजिटेशन है वो उड़ा दिया है, पेड़ इतने सारे थे यहाँ पर। हम थोड़े से स्टोन्स ले लेते हैं। मेरा क्रॉसबो भी रिपेयर कर लिया मेरा, ओके ये हो गया है। देन इंक्लाइन वाला पाइप बनाते हैं, नाइस। तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर बनाना चाहिए मेरे को टॉयलेट, इस जगह पर, यहाँ पर ये दोनों पत्थर की आड़ में बैठ के हम खुले आसमान के नीचे पॉटी कर सकते हैं। तो इसको घुमा के रखेंगे हम इस तरफ ऐसे, यहाँ पर, नाइस। ये हमारा टॉयलेट रहेगा, इसको मैं थोड़ा सा सीधा कर देता हूँ लाइक दिस। ओके, नाउ आई कैन आई पुट पाइप्स, देखें लग भी रहे हैं कि नहीं इसमें। एंड ऑल राइडी, सिट ऑन टॉयलेट, नाइस। नाउ वी कैन पूप, गुड। पर अभी हमें आ नहीं रही है, और हमने हमारा लगा लिया, मस्त लग रहा है, फ्लश सबके साथ, मस्त मेटल का फ्लश लगा हुआ है इसमें, फ्लश टैंक, मेटल की सीट है, और नीचे वुड लगा हुआ है, गुड नाइस। इसके और क्या ऑप्शन है, सिट ऑन टॉयलेट एक्सेसरीज, ओके। अच्छा, शायद हम इसमें लिखा है कि जब आप फ्लश करेंगे तो आपको मिलेगा कुछ ना कुछ। तो ये जाएगा सीधे इधर पे, और ये हो गया हमारा पूरा कंप्लीट टॉयलेट, ये अटैच्ड है, नाइस। ऑलराइडी, तो हमारा टॉयलेट हो गया। अब हमें देखना है कि हमें टॉयलेट जाने का टाइम कैसे पता चलता है। मैंने इस पर देखा था कि आपका जो हंगर बार है उस पर उसका कलर चेंज हो जाता है, तो उससे पता चल जाएगा हमें कि हमें कॉल ऑफ नेचर आया है, इट्स टाइम टू गो। ठीक है, तो हम वेट करते हैं उस चीज़ का, और फिर देखते हैं कि कैसे यूज़ कर सकते हैं इसको। अभी तो हमारा पेट भरा हुआ है अच्छा खासा, अभी हमें छींची पूपू भी नहीं आ रहा है, हमको वेट करना पड़ेगा। और हमारी क्रॉप्स, मैंने इसमें से नॉट फर्टिलाइज, अच्छा आपको हर बार फर्टिलाइज करना पड़ता है इसको, ओके ओके ओके, तो ये सही चीज़ है,
ये देखो यहाँ पर मैंने कैरेट तोड़े थे, ये क्या है? सैबो रूट। हाँ सैबो रूट क्या है? आलू है शायद, नहीं आलू नहीं, आलू तो वो उस तरफ लगे हुए कोने में। ये क्या है फिर? हाँ ये ही तो आलू है। अच्छा हाँ आलू है। और ये है, ये लॉन्ग ग्रास है, कॉर्न है, और ये है हमारा गाजर, गाजर, और ये है नींबू। नींबू भी पूरे पक गए मस्त मस्त। कितने हैं इसमें? ओह 21 है। इसमें एक फर्टिलाइज़र है पहले से, मेरे पास दो और फर्टिलाइज़र है तो मैं वो लगा सकता हूँ। ये क्रॉप से मैंने बीवर को टेम करा था तो बहुत जल्दी टेम हुआ था, इसलिए मैं अब बीवर को क्या क्रॉप मेरे पास रखूँगा। मेरे पास तीन फर्टिलाइज़र्स हैं। नाउ आई कैन पुट इट देयर। व्हूप्स, थैंक यू। आप बोल रहे थे कि अब आपने बहुत सारे डायनोस टेम कर लिए तो घर बनाओ, तो मैंने देखा है, मैं अभी मुझे बहुत सारे वो करने पड़ेंगे, क्या कहते हैं, रिसोर्सेज बहुत सारे गैदर करने हैं, उसके बाद मैं कर पाऊँगा। तो ला आलू निकाल लो इसमें से, देन गाजर, गाजर भी ले लेता हूँ, स्पॉइल तो वैसे भी इसमें हो ही रहे हैं। ओके मुझे इसमें एक फर्टिलाइज़र डालना है, और इसमें हमारे सिट्रोनल्स हैं। ओह इनका स्पॉइल टाइम ज़्यादा है, 12 घंटे का है। जी जी, तो मैं इसमें से भी ले लेता हूँ और इसको भी रख लेते हैं, ठीक है। और मुझे इसको कन्वर्ट भी करना है, पहले मैं घर बनाऊँगा, फिर शायद मैं क्रॉप, लार्ज क्रॉप प्लांट है वो लगाता हूँ इधर। और ये जो भी हैं, जितने भी गाजर मूली आलू टमाटर, ये इसमें रख देते हैं हम। एंड फर्टिलाइज़र को मुझे रखना है ले जाके, इसको इसमें, इसमें तीन पूप है, इसमें भी तीन पूप है, एक को रख देता हूँ, मुझे थोड़ी सी और थैच चाहिए। और इसको उठाओ और इधर रखो, थैंक यू। मुझे सिर्फ थैच लेकर आनी है, तो थैच से हम फिर फर्टिलाइजर्स में रख सकते हैं। और आप बोल रहे थे कि ये जो पोगो है इसको अनेबल करना पड़ेगा आपको, तो मैं इसकी वेट बढ़ाता हूँ और अनेबल करता हूँ इसका पिक पॉकेट, इससे क्या होता है देखते हैं। अनेबल है ना, फास्ट पिक पॉकेटिंग, पिक पॉकेटिंग है, चालू कर दिए, पर ये शायद पीवीपी में काम आता होगा मुझे लग रहा है। इसमें किसके पिक पॉकेट करता होगा? डायनासोर्स के, उसकी इन्वेंट्री में से चुरा के लेकर आता होगा। और जैसे वॉन्डर ऑन करना पड़ेगा इसका, इसको थोड़ी सी और बेरीज दे देता हूँ मैं, ताकि ये घूमता रहे इधर से उधर। मैजो बेरीज, ले भैया, यू ईट दिस। वो इसके पास भी है खाना, ठीक है, नाइस। ओके तो मैंने ये जो हमारा रैप्टर है, टेरानोडॉन है, इसे एक सैडल पहना दिया है। और नीचे मैं थोड़ा मिडिल ऑफ द मैप आया हूँ अभी देखने के लिए, पर यहाँ पर इतने सारे डायनासोर हर तरफ दिखते हैं। देखो जो वो अनलॉक हुआ है ना रिवर, जो अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा है, वहाँ पर मतलब 50 और 60 जहाँ पर मीट हो रहा है कोऑर्डिनेट्स, वहाँ पर हूँ मैं। और यहाँ पर मुझे मिला है, क्या नाम रहता है इसका, नीचे है वो, कहाँ गया, अभी तो इधर ही घूम रहा था सला, एक इधर रैप्टर घूम रहा है साइड में मेरे। हाँ वो रहा जो स्टोन कलेक्ट करता है, वो रहा नीचे, मैं देखता हूँ इससे। तो मैं थोड़ा साइड में जाना पड़ेगा मुझे, इस टैगासोरस के नीचे घूम रहा है वो जस्ट। हाँ अब दिखेगा, इसका नाम क्या है, डोडियोक्रस, डोई डीक्रस, डोई डीक्रस। और ये जो है ये 12 लेवल का, और इसको अगर टेम करते हैं तो ये, अगर आपको स्टोन कलेक्ट करना है, हाँ मेटल नहीं, स्टोन कलेक्ट करने के लिए बहुत स्टोन गैदरिंग, रिसोर्स गैदरिंग में बहुत काम आता है वो।
तो उसको टेम करना है, और मेरे पास अभी कैरेट्स और वो ख़त्म हो गए, तो मुझे बेरीज लेनी पड़ेगी काफ़ी सारी। और इधर रैप्टर्स घूम रहे हैं, तो मुझे नीचे जाने में थोड़ा डर लग रहा है कि इस तरफ आ ना जाए। और इसको अगर मैं लेवल टेम करूँगा, इसका 12 लेवल है, अगर मैं टेम करूँगा तो इसको नॉकआउट करने में मुझे 5 लगेंगे, नहीं 10 क्रॉस, 8 क्रॉस वो मारने पड़ेंगे। वो रिस्की वाला काम है थोड़ा, पर करना पड़ेगा मुझे। देखते हैं ये भागता है क्या इधर उधर। मैं पहले अपने इसको नीचे उतारता हूँ थोड़ी सेफ जगह पर, फिर मैं क्रॉसबो से ट्राई करता हूँ इसको एरोज मारने की। ओके चला, रात होने वाली है, पर ये कौन सा है, एक घूम रहा है जो इधर आ गया। ए ये तो ऑटर है, कितने लेवल का, 48 लेवल का, गुड। मुझे नीचे जाना होगा, उसको एरोस क्रॉसबो से ट्रैंक एरो मारने पड़ेंगे, और फिर मुझे उसको बैरीज खिलानी पड़ेगी टेम करने के लिए। चलिए ट्राई करते हैं, होप फॉर द बेस्ट, मरे ना बस। मैं इधर ही बीच के पास ही इसको रखता हूँ, और यहाँ पर थोड़ी मैं अपना इसमें ये इक्विप कर लेते हैं, ठीक है। ट्राई कैरोस वो खड़ा हुआ है उधर पे, होपफुली ये जो है महाशय डिप्लोडोकस, ये मुझे मुझ पे हमला ना करे बस, ये क्योंकि कभी कभी एग्रेसिव हो जाता है। और मैं अपने पॉकेट को इसको वो कर देता हूँ, पैसिव में कर देता हूँ। बिहेवियर इसका किधर रहता है, ऑप्शंस में नहीं, इनेबल ऑन टारगेट नहीं, कैसे करते हैं। हेलो, लोएस्ट ऑप्शंस नहीं, बैक ऑर्डरिंग ग्रुप नहीं, बैक बिहेवियर में ठीक है, तो इस पर रखा है मैंने। ये बस मुझ पे हमला ना करे, ये स्टेगस स्टेगोसॉरस नहीं, देखते हैं। दो लगे हैं, 3 4, इसकी स्पीड धीरे है, 5 6 7 11 लगेंगे इसको, 8 9 10 और गया ये, नाइस। अब मुझे बेरीज कलेक्ट करनी है, क्योंकि मेरे पास बेरीज नहीं है। इसको सारी बेरीज दे देता हूँ जितनी भी है मेरे पास। ओ नार को नहीं देना, ठीक है, और कलेक्ट कर लेते हैं। बेरीज ज़्यादा लगती है अगर आपके पास मैज़ो बेरीज, क्या कहते हैं, मोजो बेरीज नहीं है, तो दूसरी बेरीज बहुत ज़्यादा लगती है फिर। तो थोड़ी सी मैज़ो बेरीज मिली है इधर पर, खा रहा है वो। और इधर रैप्टर्स बहुत है, ये मेन आइलैंड जो है ना, यहाँ पर बहुत सारे कार्निवोर्स रहते हैं। ओ शूट, वो मार डाला इसने, इस वाले रैप्टर को मार डाला, ये तो टेक रैप्टर था, नाइस। अरे यार कुछ भी नहीं है इसके पास, ओ ये मुझे मार रहा था क्या, बाप रे। अच्छा इसने मारा है, उसने नहीं मारा, हमारा कहाँ गया पॉकेट, भाग गया क्या उड़ के, नहीं वो रहा बीच में,
होपफुली मेरे पीछे ना आ रहा हूँ। मैं जो बेरीज डालता हूँ इसमें, ठीक है टेमिंग हो रही है, थोड़ी और चाहिए मुझे और लेकर आता हूँ। ये रैप्टर इतनी देर उधर खड़ा हुआ था, जैसे ही आया मैं इसको कलेक्ट करता हूँ, देखते क्या मिलते टैक में से। वो मेटल स्क्रैप मिल रहा है, मेटल स्क्रैप और 3 इलेक्ट्रॉनिक मिल रहा है और 4 एलिमेंटल डस्ट। नाइस, अच्छा वो आ गया, नहीं तो वो उसको मार देता पॉकेट को। कमान मेरे, मैं लेकर तो आया था गाजर और टमाटर पर वो ख़त्म हो गए मेरे पास। कैरेट्स और पोटैटोस स्पॉइल हो गए, ख़त्म क्या हुए, स्पॉइल ही हो गए थे। नाइस, कम लेवल का था शायद वो टेक रैप्टर, मैंने फर्स्ट टाइम देखा है टेक रैप्टर। जिस इन्वेंट्री मैं जो बैरीज डालो, सारी बैरीज डाल दो, हो जाएगा टीम 48% हो गया। अब बात यह रहेगी कि मैं इसको ले जाऊंगा कैसे यहाँ से। मैं सोच रहा हूँ कि इसको यहाँ पर रख दूँ। आप बोल रहे थे कि आप आपके टेरेनोडॉन से उठा के ले जा सकते हो, बट शायद इसको उठाना पॉसिबल है क्या, वो देखना पड़ेगा मुझे। ओए, अच्छा ये हमको दूर हटाता है ये, पर इसके अटैक से हमको डैमेज नहीं मिलता है। ये है कितने लेवल का डेलो डिप्लोडॉकस? ये 4 लेवल का है। ओ फीमेल, इसको टेम किया जा सकता है, मतलब हमारे पास ओवर पावर्ड हो जाएंगे हम फिर। 4 लेवल का है, मेरे को देखना पड़ेगा फिर डिप्लोडॉकस। ये हमको दूर हटाता है बस, मारता नहीं है। इसने मुझे हटाया दूर पर मुझे डैमेज नहीं मिला कुछ भी, नहीं तो एक हिट में शायद मैं मर जाता। 69% हो गया है। ये भी बहुत सही लगता है मेरे को, स्टेगोसॉरस। खा रहा है 89% हो गया, गुड। और यहाँ पर एक मैंगूस भी घूम रहा था, मैंगूस नहीं ऑटर, पता नहीं कहाँ गया है। शायद भाग गया और मैं इससे दूर ही रहूं। थोड़ी सी और बैरीज कलेक्ट कर लेते हैं जस्ट इन केस हमें काम पड़ जाए इससे। वाह, ओ मधुमक्खी आई। ये पॉइजन करती है पता है, मैं इनसे दूर ही रहूंगा या फिर मारने की कोशिश करता हूँ बॉस से, बस ये इसको ना पड़ जाए। ए हो गया, कैंसिल करूंगा अभी क्योंकि मुझे भागना है। ये बीज मेरे पीछे पड़ी हुई। आओ, अरे रे उसको मत मारो, उसको मत मारो रे। ये मर गई, एक मर गई, हाँ दूसरी भी गई। नाइस, गुड 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 बॉय। मैं इनसे ले सकता हूँ, कुछ तो मिलता होगा। अच्छा ये जिंदा है क्या? ओह ये मर गई है। पहले मैं इसको इधर लेके आता हूँ, इधर आ जा। इसका नाम सोचना पड़ेगा मेरे को, डोइडेक्रस का। मैं इसको इस तरफ लेके आता हूँ यहाँ पर, यहाँ पर फिर मैं सेफली इसको छुपा दूंगा ताकि दूसरे डायनोज इस पर हमला ना कर पाए। इसका लेवल वैसे अभी 17 ही है, इसको थोड़ा और टेम करना पड़ेगा मुझे। टीम क्या, लेवल अप करना पड़ेगा। पर ये जो रॉक कलेक्शन करता है ना, बहुत सही है इसका। कमान, और इसका लेवल अप करते हैं। इसकी हेल्थ तो काफ़ी अच्छी है, मैंने डैमेज बढ़ाता हूँ अभी और फिर वेट बढ़ाएंगे। नाइस, इसका बिहेवियर चेंज करते हैं। बिहेवियर डिसेबल फॉलोइंग, हम इसको लेके जा सकते हैं क्या वो मुझे आप बताना। अगर मैं इसे उठा के ले जा सकता हूँ तो फिर मैं ट्राई करूँगा इसको ले जाने की। अरे बाप रे, ये उठाते हैं चींटियों को। अच्छा ये बीज है,
अच्छा तो इनसे भी मिलता है मुझे चिटन। इनका हिटबॉक्स बहुत अजीब रहता है, ये बड़े डायनासोर्स रहता है ना, इसलिए मैं इनके आसपास कहीं पर भी माइन या नहीं करता हूँ, क्योंकि अगर इनको ज़रा सा भी लग गया ना तो फिर मेरे को उठा उठा के फेंकेंगे इधर उधर। इसकी पूंछ अभी तक यहाँ पर है तो इसकी पूरा निकल जाने दो इसको, फिर मैं लेता हूँ इनसे। ओके इसको भी ले लेते हैं। क्या नाम है इनका, टाइटेनो कुछ करके नाम है, ये कौन सा डायनो है, इसका क्या नाम है, दिखता तो ये कार्निवोर है पर है ये। ए रुक, इधर ऑटर घूम रहा था, कहाँ गया वो, हाँ वो रहा, दिखा ये रहा, मस्त है ये। इसको कैसे टेम कर सकते हैं, ऑटर को, लेवल 48 का है। हेलो मेल ऑटर, ए अच्छा इसको फीड कराना पड़ता है बेरीज, रुको रुको मैं बेरीज रखता हूँ इसमें, कौन सी बेरीज खाता है ये, ड्रैग क्या है, अच्छा फिश खाता है ये, ओके फिश 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 खिलाते हैं इसको। चला हो क्यों नहीं रहा, क्या लिखा, ड्रैग अ फिश टू फीड, अच्छा इसके पास मछली को लेकर आना पड़ता है उठाकर ड्रैग करके। रुको पहले मैं इसको बुलाता हूँ, अरे यार ये हवा में, इसको मैं कैसे एक्सेस करूँ, अब पिरानास तो नहीं है ना, नहीं है, रुको मैं इसको विसल मारता हूँ, विसल बजाने से आएगा ये, क्या है विसल का ऑप्शन, कंट्रोल्स फॉलो मी जे है, यू फॉलो मी टी, ज्यूम आता नहीं है, आया नाइस। मेरा इसका भी लेवल अप हो रहा है तो मैं इसे यहाँ उतार देता हूँ। ए रुको 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 देखो क्या मिला है, मैंने एक वीडियो देखी थी उसमें उसने बोला था, एक ने बताया था कि सबसे जो रिसोर्स गैदरिंग वाला वो है ये है एकटीना, ये सबसे अच्छे रिसोर्स गैदर करता है, मतलब कि जो आपको सीमेंटिंग पेस्ट चाहिए रहता है ना वो इससे आपको बहुत अच्छे से मिल जाएगा, तो इसे मेरे को करना पड़ेगा। पहले मैं अपने डोडियक्रस को लेके जाऊँगा यहाँ से, ए उतरने का नहीं, उतरने का नहीं, प्लीज़ लेट मी राइड। ओके तो ऑटर को हम बाद में लेके जाएंगे, पहले मैं इसको देखता हूँ कि इसमें उठा कैसे सकते हैं किसी डायनासोर को, वो देखना है मुझे। और इसकी सैडल हम बना सकते हैं डोडी क्रश की, फिर हम इसको यहाँ से लेके जाएंगे। उठाने का बटन कौन सा है इसमें, ऑप्शंस एक फ्लायर का तो लिखा हुआ है, विसल टू लैंड दिस फ्लायर, अटैक अटैक दिस टारगेट, डायनो एयर ब्रेक एक्स, उठाते कैसे हैं किसी को, किसी डायनो को अगर हम उठाना चाहें तो कैसे उठा सकते हैं, इसमें लिखा हुआ नहीं है कहीं पर भी। कोई नहीं रुको मैं ट्राई करके देखता हूँ, अगर मैं उस ऑटर को टेम कर पाया तो। अरे यार हाँ ऊपर क्यों घूम रहा है, स्टे डाउन, हाँ बैठ गया। अब मैं ऑटर को देखता हूँ फिश खिला के, खिला पाता हूँ क्या इसकी, वो मुझे वो करनी पड़ेगी, डिसेबल फॉलोइंग देखना पड़ेगा मुझे। कहाँ गया, यू स्टे पुट, वो ऐसे होता है, ओके ज्यूम, हाँ ये ठीक है। अब मैं मछली लेकर आता हूँ, मछली पकड़नी पड़ेगी पहले मेरे को, तो या ले आरोस डालो हमारे इसमें, नाइस अब मैं इसे ड्रैग कर सकता हूँ, नाइस अब इसको लेके जाते हैं ऑटर के पास।
और देखते हैं वहाँ आता है क्या, कहाँ गया कहाँ वो बबूचक। यहाँ पर काफ़ी अच्छे अच्छे हैं, पर यहाँ पर काफ़ी सारे अभी घूम रहे थे कार्निवोर्स, पर अभी थोड़े कम हुए हैं। ए मछली खा मछली, ओ नाइस, ये तो एक ही में हो गया। इसका नाम हैरी ऑटर रखते हैं, हैरी ऑटर। ये तो एक ही मछली में टीम हो गया, कम लेवल का था इसलिए। ओ इसे पिकअप भी कर सकते हैं, नाइस। अरे ये तो हमारे ऊपर चढ़ के बैठ गया, ये बंदर से तो अच्छा है कम से कम। नाइस। अरे तो मैं इसको लेके जा सकता हूँ फिर, मैं ये डोडियो डोइडिक्रस को मैं बाद में लेकर आऊँगा, इसके लिए सैडल चाहिए रहेगी। इसे तो हम उठा नहीं सकते, इसको उठाएंगे तो रखेंगे कहाँ। वाह इसके पीछे तो ये वो बना हुआ है, क्या कहते हैं, स्पाइक हैमर जैसा, सही है। चलो हमारे पास ऑटर आ गया, हमने एक दो एनिमल टेम कर लिए यहाँ पर, और तीसरा जो है वो वहाँ पर दिख रहा है आपको, ये रहा वो। और इसको खिलाना है ना, इसको अगर आपको टेम करना है, इसका नाम क्या है, एंटीओ करके कुछ है इसका नाम, हाँ एकटीना, इसको केक खिलाना पड़ता है। और केक बनाने के लिए बहुत डिफरेंट डिफरेंट इन्ग्रीडियंट्स चाहिए रहते हैं, आपको कुकिंग पॉट में डालना पड़ता है फिर जाके केक बनता है, तो वो सब मेरे पास नहीं है। हनी वनी ये चाहिए रहता है, तब जाके इसको टेम कर सकते हो। ये इसलिए इतना डिफ़िकल्ट है क्योंकि ये सिर्फ उसी केक से ही टेम होता है, ये वाला स्नेल जो है, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे जो सीमेंटिंग पेस्ट है वो बहुत यूज होता है यार के में, और वही एक रिसोर्स है जो ये सबसे ज़्यादा देता है। और उसके बाद ये जो है डोडियो क्रश, ये आपको स्टोन्स देता है, स्टोन्स कलेक्टर है। तो मेरे पास सैडल आएगी, ये दिखता तो टर्टल जैसा है, और उसको क्या बोलते हैं, क्या नाम है इसका, लेवल अप करते हैं इसका। मैं वेट बढ़ाता हूँ क्योंकि स्टोन्स गैदर करेगा ये। नाइस, ठीक है तो मैं वापस जाता हूँ और डोडियो क्रश की सैडल, और शायद अपन हम स्नेल्स को अगर पकड़ते हैं तो स्नेल्स को भी लेके जा सकते हैं वापस। तो हम वापस इधर से जाता हूँ, पहले मैं इसका और लेवल अप कर दूँ पॉकेट का। इसकी हेल्थ वैसे अच्छी हैगी इस टेरनाडॉन की, तो मुझे इसका सिर्फ जो है स्टैमिना बढ़ाना है, और स्पीड तो हम बढ़ा नहीं सकते क्योंकि इसकी 135 स्पीड है। इसके पास ये वाले टूल्स कहाँ से हैं, मैंने रखे होंगे शायद इसमें। ठीक है अब मैं देख लेता हूँ कि इसको कुछ और तो नहीं खाना है, क्योंकि ये इतनी देर यहाँ रहेगा तो बैरीज है इसके पास वैसे सफिशेंट कि ये सर्वाइव कर ले जब तक हम आएंगे बाद में वापस। हमारे पास दो डायनोस हो गए। इसका जो हमारा फर्स्ट टेरनाडॉन था उससे ज़्यादा स्टैमिना है इसमें, और इसका लेवल भी ज़्यादा है। अब मुझे देखना है कि हम मैप में किस तरफ हैं। ओके तो मुझे सीधा साउथ जाना है, अब सीधा साउथ चलेंगे। ये देखो कितने सारे कार्निवोर्स घूमते रहते हैं यहाँ पर। ये कौन सा, ये स्कार नहीं है, सैक्रो नहीं है, क्रोको का छोटा वर्जन है, ये जो नीचे घूम रहा है ना ये शायद से। चलो मैं अब सीधा घर निकलता हूँ क्योंकि ये टेरिटरी थोड़ी हॉस्टाइल है। ऑटर देखो मेरे कंधे पे बैठा हुआ है अभी भी, अगर हम फ्लाइट भी लेते हैं तो वो उतरता नहीं है मंकी जैसा। वो बंदर भी हमारे ऊपर चिपक गया था। मैं रिवर के थ्रू ही जाता हूँ, इधर थोड़ा एक्सप्लोर भी हो जाएगा हमारा आसपास। यहाँ पर एक हॉल्ट लेते हैं और फिर चलते हैं। यहाँ पर कोई है तो नहीं ना, रैप्टर डिलोफोसॉरस है पर वो तो नूब्स है, सब कुछ नहीं कर पाएंगे वो ज़्यादा। मैं उतरूंगा, इसका थोड़ा रेस्ट होगा, जैसे इसका स्टैमिना रेज होता है वैसे निकलते हैं हम यहाँ से। हो गया, लेट्स गो।
ये तो लायन किंग वाला पीक है। मैं कंपास नहीं लाया हूँ तो मुझे पता नहीं चलेगा किस डायरेक्शन में है हमारा। ओह क्रिस्टल से इधर। हाँ एक और मैंने वो जो टॉप 5 रिसोर्स गैदरिंग वाले जो देखे थे ना वीडियोस, उसमें एक और था, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। उससे अगर आप क्रिस्टल गैदर करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा क्रिस्टल्स मिलते हैं। ये है वही पीक है क्या कि दूसरा वाला है? तो रैप्टर्स घूम रहे हैं। नहीं ये वो नहीं है, ये दूसरा है। सही जा रहा हूँ कि नहीं? हाँ सही जा रहे हैं। थोड़ी सी और आगे जाएंगे तो हमें मिल जाएगा हमारा घर। ये शायद वो स्वाम्प है जो हमारे घर के पास है। वुप्स 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 वुप्स, मुझे लैंडिंग करनी पड़ेगी कहीं पर क्योंकि इसका स्टैमिना जा रहा है। थोड़ी सही जगह देखकर, नहीं तो मैं मर जाऊँगा, मर जाएगा ये। मैंने ध्यान नहीं दिया इसके स्टैमिना पर। होपफुली यहाँ पर कोई हो ना। कार्निवोर्स दिख तो नहीं रहा है। इसका 116 लेवल है तो ये जल्दी जल्दी इसका स्टैमिना भी गैदर होता है। नाइस, अब पहुंच जाएंगे। ये जो स्वाम्प है ये हमारे घर के पास वाला स्वाम्प है शायद से। हाँ मैं सीधे घर पहुंचता हूँ और फिर जब नेक्स्ट एपिसोड में हम हमारे ड्यूडो क्रस को लेने जाएंगे वापस। हाँ वो रहा सामने हमारा घर। ये वो खतरनाक स्वाम्प है जहाँ पर एनाकोंडा और वो बीजा बीजल बूफो रहता है। Hopefully, मेरे घर के पास में एक स्पाइनर तो घूम रहा था। Hopefully, वो हमारे घर के पास ना आया हो ज्यादा। ओके हम आ गए हमारे घर पे वापस। बैक होम। नाइस गुड। ओके तो अब मुझे क्या करना है, जो डियोडोक्रस है उसकी सैडल बनानी है ताकि मैं लेके आ सकूँ। और ये जो ऑर्डर है इसका नाम हमने हैरी ऑर्डर रखा है। और ये तो आसानी से एक मछली में टेम हो गया तो इसको सैडल की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। ये हमको सैडल बना के घूमता है। एक स्पाइनो घूम रहा था यहाँ पर तो उसको मारना पड़ेगा क्योंकि वो फिर हमारी बेस के लिए ख़तरनाक हो सकता है इधर। और मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना कि मैं उस डोडियोक्रस को अगर मेरे ये टेनेडॉन से लेकर आ सकता हूँ क्या पकड़ के, ठीक है? और मुझे सीखना पड़ेगा कि वो कैसे यूज़ करते हैं उसको। ऑलराइडी तो इस एपिसोड में इतना ही। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। इस एपिसोड में हमने डियोडोक्रस और इस ऑर्डर को टेम किया है। मैं थोड़ा एक्सप्लोरेशन पे गया था देखने की क्या है आसपास और काफ़ी सारे नए नए मुझे डायनोज और एनिमल्स मिले। तो हमें हमारी बेस तो बड़ी करनी पड़ेगी। मैं रिसोर्स गैदर शुरू कर दूंगा फिर ऑफलाइन जाके। सारे स्टोन्स चाहिए हैं क्योंकि स्टोन का ही हम बनाने वाले हैं। मेटल का भी हम बेस नहीं बनाएंगे, स्टोन का ही सबसे अच्छा है अभी के लिए। तो ठीक है, तो सी यू ऑल गाइस नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।